में दो बच्चे रहा करते थे। एक थे राहुल, दूसरी थी डॉली। वो दोनों बहुत होशियार थे, पर हमेशा राहुल ही टॉप करता था। चलो आगे की स्टोरी हम लोग मिलकर देखते हैं। और उनके घर में मम्मी पापा भी उनके साथ रहते थे। मम्मी पापा, राहुल और डॉली, ये चार लोग फैमिली मेम्बर्स है। चलो देखेंगे हम लोग मिलकर। भैया आप पढ़ क्यों नहीं रहे, पढ़ लो ना भैया। अरे मुझे भी परेशानी करो ना, अभी मुझे नहीं पढ़ना, मैं बाद में पढ़ लूँगा। वैसे बेटा हर टाइम टॉप भी मैं ही करता हूँ। ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ हाँ तू पढ़ ले। अरे डॉली बेटा पढ़ रहे हो? हाँ मम्मी। और राहुल बेटा आप इतनी जल्दी क्यों सो गए, डिनर नहीं करना आपको? मम्मी मुझे नींद आ रहा है। ओ ठीक है, आपने पढ़ लिया राहुल बेटा? हाँ मम्मी। मेरी प्यारी डॉली तुम भी पढ़ लो, इस बार तुम्हें टॉप करना है। हाँ मम्मी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों मैं पढ़ती हूँ, अपने अपने काम करो। हाँ अरे डॉली तुम्हें पता है कि मैं पापा से कहने जा रहा हूँ कि मुझे एक नया लैपटॉप मंगाएं। ठीक है मैं कहने जा रहा हूँ। अरे नहीं आज तो मैं पापा से कहने जाने वाली थी कि मुझे एक नया गिटार दिलवाओ। नहीं मुझे लैपटॉप चाहिए। नहीं मुझे गिटार चाहिए, लैपटॉप गिटार, लैपटॉप गिटार, लैपटॉप गिटार। पापा से जाके पूछते हैं कि हम दोनों में से किसको वो क्या डलाएंगे। हाँ चलो मेरे पीछे आओ। हाँ हाँ चल हट, मैं लूँगी। नहीं मैं पापा पापा। हाँ बोलो बेटा मेरे पास आओ। हाँ पापा 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 हमें हम दोनों को कुछ चाहिए। क्या चाहिए बच्चों बोलो, बताओ मुझे क्या चाहिए तुम दोनों को। पापा राहुल को एक लैपटॉप चाहिए और मुझे एक गिटार चाहिए। अच्छा राहुल को लैपटॉप और डॉली को गिटार। देखो बच्चों मैं तुम दोनों को तो दोनों चीज़ें नहीं दिलवा सकता, पर लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को एक चीज़ दिलवा सकता हूँ। पापा मुझे दिलवाओ ना, मुझे गिटार चाहिए। नहीं पापा मुझे दिलवाओ ना, मुझे लैपटॉप चाहिए। मुझे थोड़ा सोचने दो, किसको क्या डलवाऊँ। हाँ आइडिया आया मुझे। कैसा आइडिया पापा? हाँ बोला जब पापा कैसा आइडिया आया। हाँ मुझे एक आइडिया आया है, इन आइडिया में मैं बताऊँगा कि किसका क्या मिलेगा। हाँ बोला ना पापा। तो डॉली और राहुल तुम दोनों में से स्कूल में जिसने भी टॉप किया उसको मैं, अगर राहुल ने टॉप किया तो राहुल को लैपटॉप मिलेगा और डॉली ने टॉप किया तो डॉली को गिटार मिलेगा। मंजूर है? हाँ पापा मंजूर है। ठीक है तो जाओ डॉनलॉग मेहनत से पढ़ाई करो और जिसने भी टॉप किया उसको उसकी चीज़ मिलेगी। ठीक है? हाँ पापा। चलो भैया। हाँ देख लेना इस बार तो मैं ही टॉप करूँगा। हाँ हाँ मैं करूँगी। टू इन टू 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 प्लस सिक्स इंटू फाइव। राहुल तुमने इससे पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं लगाया, सिक्स इंटू थ्री माइनस फोर। अरे मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। क्यों? नहीं पता मुझे। दोस्तों आपको पता है कि जो राहुल है वो केवल उतना ही पढ़ता था जिसके उसके सिलेबस में आता था, और डॉली पूरा पढ़ती थी इसलिए राहुल टॉप करता था, क्योंकि उसके जो सर हैं वो उसको जितना आता था पेपर में वो सब बता देते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। पापा पापा हम दोनों आ गए। आ गए बेटा, किसने इस बार टॉप किया? पापा हर बार की तरह मैंने ही टॉप किया। हाँ पापा मैं सेकंड आई हूँ। तो फाइनल हो गया, इस बार का गिफ्ट राहुल लेगा। राहुल तुम्हें लैपटॉप चाहिए था ना? हाँ। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगा। ठीक है। हाँ पापा मुझे। बेटा तुम फर्स्ट नहीं आई हो।
अरे इसको भी तो कुछ दिला दो। मुझे सोचने दो। हाँ आज अपने शाम को रेस्टोरेंट चलेंगे और उसमें मैं डॉली को चॉकलेट आइसक्रीम डलाऊंगा, ठीक है? ये चॉकलेट आइसक्रीम मेरा लैपटॉप आएगा। चलो बेटा अपने कपड़े चेंज कर लो, सो जाओ, अब शाम को अपन लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, ठीक है? डॉली देखा मैंने टॉप किया ना, और अब मुझे को लैपटॉप मिलेगा। हाँ हाँ तो मुझे चढ़ाओ मत। हाँ हाँ सो जाओ लैपटॉप। हाँ हो आज खाने में बहुत मजा आया। हाँ बहुत ही ज्यादा। हाँ आइसक्रीम तो बहुत। ओ क्या आप ही दादा है राहुल और डॉली के पापा मम्मा है ना? हाँ हाँ हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग कैमरा रिपोर्टर माइक रेडी। सो न्यूज़ में हम दोनों देख रहे हैं इन दोनों बच्चे को। ये दोनों लोग हर दम अपने स्कूल में टॉप करते हैं और आज हम इन दोनों बच्चों का टेस्ट लेंगे कि इन दोनों बच्चों में से कौन बेस्ट है ना क्यूटी है ना बच्चा। तो आप लोग घर जाइए और बच्चे को यहाँ खड़ा करिए, ठीक है? और जो जीतेगा उसको मिलेगा उसी के मनपसंद का गिफ्ट। चलो और जो मैं हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो तुम्हारे ही कोर्स का होगा, ठीक है? ठीक है बताइए 1 + 3 - 2 कितना होता है? सबसे पहले राहुल बताएगा। आई थिंक 5। और अब डॉली बताएगी। आई थिंक ये 2 होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ 4 × 3 तुम बताओ। आई थिंक मैं हाँ राहुल तुम बताओ। आई थिंक 18। हाँ और तुम 12। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन बताओ अगर हम तुम्हारे दोनों के पास 2 चॉकलेट्स हैं और 1 मैंने ले ली 1 तुम्हारे मामी पापा ने ले ली और मैंने तुम्हें वापस से 5 दे दी और उन 5 में से फिर से 3 मैंने ले ली तो कितनी चॉकलेट्स हुई राहुल तुम? मेरे पास तो 2 ही टॉफी बचेंगी ना। और तुम हमें बेश 2 बचेंगी। तो हम लोग अब विनर को चूज करेंगे 5 मिनट्स में और मुझे पता ही होगा कि हमारा बेटा राहुल ही इस मामले में फर्स्ट आया होगा। हाँ मुझे भी लगता है। क्या आप लोगों को लगता है कि राहुल ही विनर होगा? हाँ हाँ वही विनर होगा। हाँ हम लोगों को लगता है। तो आज का विनर है दा राहुल नहीं है डॉली। ये मैं विनर। हाँ तो डॉली तुम हरदम सेकंड आती हो पर इस बार तुमने कमाल कर दिया। हाँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पूरा पढ़ती हूँ। और राहुल तुम्हें क्या हुआ? राहुल यहाँ आओ बोलो। वो सॉरी मेरे जो स्कूल वाले सर हैं वो मुझे कहते हैं पूरा पेपर बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना पढ़ना है और जितना पेपर में आता है मैं उतना पढ़ लेता हूँ और पेपर पास कर जाता हूँ। तो आप लोग देखिए हर दम पेपर पास करने से कुछ नहीं होता, हमें और भी आगे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें और आगे नॉलेज मिल सके। और अब बताओ बेटा डॉली तुम्हें क्या चाहिए? मुझे गिटार। ठीक है दोस्तों डॉली जीती हुई है एक प्यारा सा गिटार। ये ओके दोस्तों बाय बाय। सो दोस्तों बाय। और जैसे कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमको पूरा पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें आगे की नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों बाय बाय।